Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. मुंबई का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर जहां आपको प्रोफेशनल और सर्टिफाइड ब्यूटिशियन द्वारा हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट स्पेशल ऑफर बाय वन गेट वन सर्विस फ्री। रश एडमिशन स्टार्टेड फॉर ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज एट आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट जो की प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मेहंदी क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल। इस हॉस्पिटल को बनने में देरी हुई है, सच बात है। ये हॉस्पिटल थाने महानगर पालिका ही चलाएगी क्योंकि थाने महानगर पालिका हमारी सक्षम है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के एमएम वली में जो टीएमसी का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। कई सालों से ये हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू है लेकिन ये जो है हॉस्पिटल तैयार नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर मुंब्रा शहर में तरह तरह की चर्चाएँ भी शुरू रहती है। और आपको बता दें कि आज जो है विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान और सिटी इंजीनियर रविंद्र खड़ताले और एचओडी चारुदत्त शिंदे और एनसीपी के तमाम नगर सेवक इस हॉस्पिटल का दौरा किए हैं। दरअसल दौरे का मकसद ये था कि जिस तरह से लगातार हॉस्पिटल की मांग मुंब्रा शहर में बढ़ती ही जा रही है और लोग कहीं ना कहीं जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं कि कई सालों से ये हॉस्पिटल बन रहा है, आखिर क्यों नहीं बनकर ये तैयार हो पा रहा है, जिसके वजह से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है हॉस्पिटल का काम शुरू किया गया है और लगभग काम पूरा भी हो चुका है। कुछ काम ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ पर बाकी हुई हैं। इन सभी कामों का जायज़ा लेने के लिए आज जो है यहाँ पर जो ठाणे मनपा के अधिकारी थे और जो विरोधी पक्ष नेता थे शानू पठान और तमाम एनसीपी के नगर सेविकाएं नगर सेवक जो हैं इस अस्पताल का दौरा किए और उन्होंने बताया है कि इस अस्पताल को जुलाई यानी 3 महीने में जुलाई तक जो है इस हॉस्पिटल को बना कर जो है काम इसका पूरा कर दिया जाएगा और इस हॉस्पिटल को शुरू करने जुलाई में इसका काम जो है शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल जिस तरह से ऐसा भी जो विरोधी पक्ष हैं यहाँ के उनका कहना है कि कई बार इस तरह के जो है दावे इस अस्पताल को लेकर किए गए हैं और कहा गया है कि अगले महीने या अगले साल ये अस्पताल को चालू कर दिया जाएगा लेकिन नहीं हो पा रहा है। कई साल ऐसे यहाँ पर गुजर गए हैं लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज इस अस्पताल को लेकर जो दौरा हुआ ये हम आपको अस्पताल का नज़ारा अंदर का दिखा रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर किस तरह से काम चालू है और जुलाई तक इस अस्पताल को देने की बात की जा रही है कि जुलाई तक इस अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि काम जुलाई तक पूरा किया जाए। और जिस तरह से बात ये भी सामने आ रही थी कि इस अस्पताल को प्राइवेट किया जाएगा, इस पर भी जब सवाल पूछा गया तो शानू पठान का कहना है कि अस्पताल जो है प्राइवेट नहीं किया जाएगा और इस अस्पताल को टीएमसी ही चलाएगी, यानी कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अस्पताल प्राइवेट नहीं होगा, इसे टीएमसी ही चलाएगी। और साथ में जो है अधिकारी जो मौजूद थे उनसे भी मीडिया कर्मियों ने बातचीत की है और शानू पठान से भी बातचीत की गई इस अस्पताल को लेकर। बहरहाल सभी का कहना है कि जुलाई तक अस्पताल ये बनाकर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर जुलाई तक की जो बात कही जा रही है कि जुलाई तक अस्पताल बनाकर दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। कि एक बात और आपको बता दें कि जो अधिकारी यहाँ पर आए थे इन लोगों ने ये भी जानकारी दी है कि हर 15 दिन में जो है इस अस्पताल को लेकर हम मीटिंग की जाएगी, आपस में जो है अधिकारी मीटिंग करेंगे कि अस्पताल का कितना काम बाकी है अभी कितना नहीं बाकी है। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो आप देख रहे हैं कि अस्पताल में अभी कितना काम बाकी है। बहरहाल बहुत से काम पूरे हो गए हैं और इसमें ऐसे में जो है इन स्टाफ की ज़रूरत है जो जुलाई तक का अस्पताल शुरू करने की बात सामने आ रही है। बहरहाल मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एचडीओ चारुदत्त शिंदे और सिटी इंजीनियर खड़ताले साहब और विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने क्या कुछ इस अस्पताल को लेकर जानकारी दी है, सुनिए। शानू भैया, आज आप लोग यहाँ पर खड़ताले साहब शिंदे साहब के साथ में आपने दौरा किया, इस अस्पताल की जो है शहर को काफ़ी ज़रूरत है लेकिन कई सालों से ये जो है बन रहा है तैयार नहीं हो पा रहा है, ऐसे में शहर की उम्मीदें हैं कि कब तक इस हॉस्पिटल को शहर के लिए दिया जाएगा। देखिए, माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत जी ने 2014 में इस हॉस्पिटल की शुरुआत करवाई थी। काफ़ी हद तक वाड़वी 2-3 बार एक्सटेंड होके वाड़वी बजट करके
आज यहाँ तक काम लाया गया। लेकिन पिछले दो साल से जब से कोविड के काल को लेके इसके अंदर का हॉस्पिटल के काम में स्लोपन आया, देरी हुई। अब उनके आदेश के बाद कमिश्नर साहब के साथ एक जॉइंटली मीटिंग थी, शिंदे सर अभी न्यू ज्वाइंट हुए, लेकिन उनके आने के बाद हमने मेडिकल डिपार्टमेंट के काम और बनकम विभाग, आरोग्य विभाग और बनकम विभाग साथ में पैरेलल कैसे काम करना चाहिए, आज उसका विजिट था। तीन महीने के अंदर हम लोगों ने हर वीक में हॉस्पिटल के ताल्लुक से एक मीटिंग की जाती थी, लेकिन ताकि ये हॉस्पिटल को पहले ही बन जाना चाहिए था। एक साल पहले ही अगर ये बन जाता, आज हमारी चर्चा हुई थी कि अगर एक साल पहले हमको ये हॉस्पिटल मिलता तो आज कोविड के काल में काफ़ी हद तक हमें इसके लिए मदद मिलती। नॉन कोविड पेशेंट जो शिवाजी हॉस्पिटल पे लोड है वो काफ़ी हद तक कम होते थे। लेकिन ठीक है, पिछली बातों को छोड़ के हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए और पूरे शहर को इतना खूबसूरत हॉस्पिटल तुरंत कैसे चालू करके देना चाहिए, ऐसे नहीं हमारे सर शिंदे सर करताले साहब एक जॉइंटली और हम लोग मिलके हर 15 डेज के अंदर ये मीटिंग करके विद इन 4 मंथ के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये शहरवासियों को ये हॉस्पिटल शुरू करके दे दिया जाए। इसमें 90% बनकम का सभी काम हो गए, सारी मशीनरी के ऑर्डर दे दिए गए, मैन पावर के लिए सभी तैयारी के लिए सर बैठे और आरोग्य विभाग की सभी तैयारी के लिए खुशबू मैडम के सर बैठ के आगे का डिस्कशन कैसे करना है, जॉइंटली कम्बाइंडली काम करेंगे और शहरवासियों को 4 महीने के अंदर ये हॉस्पिटल शुरू ही करके देना है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। शानू भाई, जो अविरोधी हैं वो लगातार जो है निशाना भी साध रहे हैं कि आप लोग कई बार कह चुके हैं कि इतने तारीख को हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा, ये महीने में शुरू हो जाएगा, लेकिन शुरू नहीं होता है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह जो है चर्चा भी होती है इसकी कि नहीं शुरू हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, एक बात मैं बोलूँ इस मामले के ताल्लुक से, हॉस्पिटल के मामले से, कहीं ना कहीं हकीकत में इस हॉस्पिटल को बनने में देरी हुई है, सच बात है। उसमें कोई अगर बोल रहा है तो उसमें हमको उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना, लेकिन देरी हुई कारण भी है, देरी के कारण है। अब प्रशासन को कोविड के बाद ऐसी, जैसे हम एक बार पार्किंग प्लाजा को हमने एक स्ट्रक्चर तैयार था उसको तुरंत आरोग्य विभाग ने अपने साथ में ताबे में लेके कोविड हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये हॉस्पिटल शुरू होता तो आज हमको ही काम आता। इसकी कमी हमको आज महसूस हो रही है। दो साल पूरा कोविड में गए, लेकिन हम पिछली बातों को नहीं छोड़ के सभी डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यहाँ पे, बहुत जल्द 4 महीने के अंदर शहरवासियों को ये हॉस्पिटल देंगे। बाकी के हमारे अधिकारी करताले सर शिंदे सर 2 मिनट में आपको बताएंगे। इसके लिए शिंदे साहब आपने भी दौरा किया तो देखा कि यहाँ पर किस तरह का जो काम था वो अभी कितना बाकी है और क्या क्या मशीनरीज हैं जो अभी यहाँ पर आना बाकी है। अभी बेसिकली अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अबव 90% हो चुका है। अभी हम जैसे विरोधी पक्ष नेता साहब ने अभी पर्सनली अभी इंटरेस्ट लेके सब फॉलोअप हम कर रहे हैं। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी फॉर्म कर लिए कि जो 15 दिन में हर रिव्यू मीटिंग लेंगे, उसके साथ अभी हम ह्यूमन रिसोर्स जो डॉक्टर्स स्टाफ वगैरह लगेंगे उसकी पैरेलल फाइल मूव कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, इक्विपमेंट्स काफ़ी सारे पहले लिए हुए हैं वो चेक करके इमीडिएटली जो एडिशनल लगेंगे उनकी भी ऑर्डर देंगे और सब एज जैसे ही जल्द से जल्द इनका हमको पोजेशन मिल जाएगा बिल्डिंग का तो हम सब इंस्ट्रूमेंट्स फंक्शनिंग करना और इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देंगे। तो क्या माना जाए कि कब तक हॉस्पिटल, जैसे विरोधी पक्ष नेता साहब की इच्छा है कि जुलाई तक हम करने की कोशिश पक्का करेंगे और देखते हैं इस बार मोस्टली तो हम टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, हमें कोई मतलब शक तो नहीं है कर पाएंगे, सबकी हेल्प रहेंगे। तो नहीं, न्यू सर अपॉइंट हुए और जाएंगे, 100% यकीन है कि हम खरताले साहब और कमिश्नर साहब की कोऑर्डिनेटर के साथ पालक मंत्री जी और जितेंद्र अवार्ड जी के साथ हम लोग यह हॉस्पिटल बहुत जल्द शुरू करेंगे। 2 महीने पहले माननीय मंत्री महोदय जितेंद्र अवार्ड साहब, माननीय आयुक्त, विरोधी पक्ष नेता, इन्होंने मीटिंग ली थी हॉस्पिटल शुरू करने के बारे में, तो उनमें जो काम बचा था उसके लिए बजट कम था, वो बजट कमिश्नर साहब ने दिया, वो हिसाब से हम लोगों ने टेंडर कॉल किया है। अभी बचेला, अभी सिविल वर्क हॉस्पिटल का पूरा हो चुका है, बचेला जो काम है आउटसाइड में चिलर मैनिफोल्ड्स गैस ऑक्सीजन की लाइन ये तुम्हारा फॉल सीलिंग ये माइनर वर्क बचेला है, उसके लिए हम लोग 3 महीने में ये पूरा हॉस्पिटल कंप्लीट करके हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करने वाले हैं। अभी राउंड ये हमारे MOH मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, विरोधी पक्ष नेता, ये प्रभाग अध्यक्ष, सन्मान्य सदस्य यांच्यासोबत राउंड घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये सर्व त्यांनी कामाची पाहणी केली
और हम लोगों ने अभी अभी तक विद इन 15 डेज अभी सर ने बोला है कि विद इन 15 डेज ये जो काम जो चल रहा है उसको हर एक 15 दिन में हम लोग मीटिंग लेंगे, काम का प्रोग्रेस देखेंगे। और हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने बताया कि सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट से हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट को ये पूरा बिल्डिंग जुलाई एंड तक हैंड ओवर काम पूरा करके हैंड ओवर करने वाले। जो लोग पॉलिटिकली ये सब बात करते हैं कि ये अलग अलग आशंका करते जो टिप्पणी करते उनको साफ ये सभी बता देते। माननीय जितेंद्र रावत जी के साथ चर्चा हो चुकी है, सबने सामान्य सदस्य सभी कॉरपोरेटर एक मत से राय ये हॉस्पिटल थाने महानगर पालिका ही चलाएगी क्योंकि थाने महानगर पालिका हमारी सक्षम है। जिस तरह मतलब शिवाजी हॉस्पिटल चल रहा है थाने महापालिका चलाएगी, मतलब जिस तरीके से नहीं उससे बेटर चले कोशिश। शिवाजी हॉस्पिटल जो बना था कई साल पहले बना था, लेकिन लेटेस्ट दौर का नया टेक्नोलॉजी का हॉस्पिटल है, उससे बेटर जरूर यहाँ पे बनेगा और उससे अच्छे तरीके से चलेगा। ओके, थैंक यू।